हरियाणा के भिवानी में भी किसान तीन कृषि कानूनों के विरोध में एकजुट हैं। किसानों के आंदोलन को राजनीतिक पार्टियों सहित कर्मचारियों व अन्य लोगों का समर्थन भी मिल रहा है। आज मंगलवार को किसानों द्वारा तीन कृषि कानूनों व बिजली बिल रद्द कराने की मांगों को लेकर हजारों किसानों व मजदूरों व कर्मचारियों ने उपायुक्त कार्यालय का घेराव किया। आज सुबह से ही हजारों मजदूर किसान बीर सिंह पार्क व कर्मचारी हुड्डा पार्क भिवानी में इकट्ठा होना शुरू हो गए। पहले किसानों व मजदूरों द्वारा बैठक की गई, जिसकी अध्यक्षता C2 जिला प्रधान राम मेहर सिंह व सर्व कर्मचारी संघ से जिला प्रधान सुखदर्शन सरोहा ने की। मंच संचालन C2 जिला सचिव अनिल कुमार व सर्व कर्मचारी संघ के जिला सचिव सूरज भान ने किया, जिसके बाद बीर सिंह पार्क से उपायुक्त कार्यालय तक जोरदार प्रदर्शन करते हुए मानव श्रृंखला बनाकर उपायुक्त कार्यालय की घेराबंदी की गई। C2 जिला प्रधान राम मेहर सिंह व सर्व कर्मचारी संघ से जिला प्रधान सुखदर्शन सरोहा व अध्यापक संघ के नेता संदीप सांगवान ने कहा कि पिछले 20 दिन से इस घेराबंदी के लिए जोरदार तैयारियां की गई हैं। कॉरपोरेट परस्त भाजपा सरकार सरकारी व सार्वजनिक क्षेत्र को बर्बाद कर रही है। अब खेती व खाद्य सुरक्षा को उजाड़ने के लिए तीन कृषि कानून पारित कर दिए गए हैं। लाखों किसान मजदूर करीब 1.5 महीने से दिल्ली के चारों ओर डेरा डाले बैठे हैं, लेकिन सरकार उनके साथ दुश्मनों जैसा व्यवहार कर रही है। केंद्र व राज्य सरकार द्वारा देश विदेश के चंद उद्योगपतियों के मुनाफों के लिए ऐसा किया जा रहा है। 4 लेबर कोड्स के नाम पर संसद में जो कानून पारित किए गए हैं, वे मजदूरों को गुलाम बनाने वाले हैं। इनके खिलाफ निर्णायक आंदोलन चल रहा है। संगठन नेताओं ने कहा कि विभागीय स्तर पर भी आंदोलन चल रहे हैं, लेकिन सरकार मांगों का समाधान नहीं कर रही है। उन्होंने अपनी मांगे बताते हुए कहा कि हमारी मांगे न्यूनतम वेतन कम से कम 24,000 हो, परियोजना वर्कर समेत तमाम विभागों में कार्यरत कच्चे कर्मियों को स्थायी किया जाए, निर्माण मजदूरों को बोर्ड से सुविधाएं मिले व 90 दिन की शर्त खत्म हो, मनरेगा में 200 दिन काम व 700 रुपए मजदूरी तय की जाए, सभी कर्मचारियों को पक्का करने, पुरानी पेंशन बहाली, समान काम समान वेतन, 1983 PTI सहित हटाए गए कर्मचारियों की सेवा बहाली, आउटसोर्सिंग, ठेका प्रथा, PPP निजीकरण की नीतियों पर रोक लगाने, बैंक लोग पूरा करने सहित आदि मांगे हैं। C2 नेताओं ने कहा कि इन मांगों के लागू होने तक मजदूर किसान व कर्मचारी पीछे नहीं हटेंगे। 7 फरवरी को भिवानी, रोहतक, दादरी, महेंद्रगढ़ व झज्जर के हजारों मजदूर किसान मिलकर कृषि मंत्री JP दलाल के निवास का घेराव करेंगे। पिछले 48 दिन से भारतवर्ष का किसान तीन काले कानून बदलवाने के लिए, पर्यावरण कानून बदलवाने के लिए, MSP के लिए सड़कों पर है। हम भी किसानों के बेटा बेटी हैं, कर्मचारी भी, और रोटी का सवाल हमारा भी है। तो हमारी राज्य कार्यकारिणी ने फैसला लिया कि इस हालात में हम चुप नहीं बैठ सकते, तो किसान आंदोलन के समर्थन में और हमारी कर्मचारियों की मांग है, जैसे निजीकरण हो रहा है, एक्स ग्रेशिया स्कीम खाली ख़त्म कर दी, DA फरीज कर दिया हमारा, LTC का बंद कर दी है, कच्चे कर्मचारियों को पक्का नहीं किया जा रहा है, इन मांगों को लेके किसानों की सपोर्ट में आज सभी 22 जिलों में हम लोगों ने DC कार्यालयों का घेराव का कार्यक्रम दिया था। उसी श्रृंखला में आज भिवानी में हम लोग यहाँ सर्व कर्मचारी संघ, किसान सभा, मजदूर संगठन मिलके ये घेराव का कार्यक्रम दिया है और अभी हम घेराव कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो नई शिक्षा नीति आई है, ज़्यादातर लोग कृषि कानून के बारे में तो जागरूक हो गए, अनपढ़ होते हुए भी किसान, लेकिन अप्रैल के महीने में 2020 में शिक्षा नीति आ गई है, वो संसद के द्वारा भी नहीं आई, डायरेक्ट आई है। वो भी शिक्षा को बर्बाद करने का, अनपढ़ता बढ़ाने का, गैर बराबरी बढ़ाने का दस्तावेज है। हम उसकी भी 13 तारीख को मकर संक्रांति के दिन वो जलाएंगे, सुबह सुबह जब जलाते हैं ना आग, उसमें अपने कार्यालय स्थल पर, हमारे घरों पर, उस शिक्षा नीति की और तीनों कृषि कानूनों की प्रतियों को जलाएंगे, जहां हम रहते हैं, जहां हम कार्य करते हैं। ये किसानों के रूप में हम जो मदद कर रहे हैं, ये अलग से आंदोलन नहीं है, हम समझते हैं कि हमारा फर्ज बनता आज के दिन, और उसी के तहत हमने ये कार्यक्रम आज किया है।
जो किसानों की जो मांग है, इस काले कानून को रद्द किया जाए, जो तीनों कानून है इनको रद्द किया जाए। और हम आम कर्मचारी को, आम जनता को बताना चाहते हैं, अगर ये काले कृषि कानून रद्द नहीं किए गए तो जो सरकार का जो पहले जो कृषि कानूनों में जो प्रावधान था, जो हमारी मुख्य जो खाद्य पदार्थ की वस्तुएं थी उनके ऊपर जो किसी प्रकार की रोक नहीं थी, उस उनके ऊपर भी सरकार रोक लगाने चाह रही है और पूंजीपतियों के हवाले करने जा रही है। तो हम कहना चाहते हैं, अगर जब पूंजीपतियों के हवाले होगा ये जो खाद्यान्न का जो पदार्थ है, तो सरकार मतलब आम आदमी का जीना दूभर हो जाएगा, ये कहना चाहते हैं। आज 12 तारीख को पूरे हरियाणा के अंदर सुर कर्मचारी संघ DC कार्यालय का घेराव कर रही है। हमारे पूरे हरियाणा के अंदर ये मांग थी कि जब से BJP की सरकार आई है, तरह तरह के हथकंडे अपना करके सरकारी विभागों को सरकार सिकोड़ना चाहती है। हम सरकर्मचारी संघ के माध्यम से बताना चाहते हैं कि सरकर्मचारी का कर्मचारी किसी भी सूरत में इनको सहन नहीं करेगा। और आज ये एक ट्रेलर है DC कार्यालय का घेराव, आने वाले समय में हम सेंटर के ऊपर मीटिंग करके आने वाले समय में हम बड़े आंदोलन करने की कोई घोषणा करेंगे, जिसकी जिम्मेवारी प्रशासन की होगी। क्या नाम जी? नरेंद्र दिनोद, राज्य वरिष्ठ उपप्रधान हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन। तो आज का जो धरना प्रदर्शन, इसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट शामिल है आपके? आज पूरा सरकर्मचारी संघ इसके अंदर शामिल है, जिसमें बिजली बोर्ड, नगर पालिका, वन विभाग, तमाम तरह के रोडवेज, नगर पालिका के तमाम तरह के इसमें कर्मचारी शामिल है, जो नगर इसमें सरकर्मचारी संघ के झंडे के नीचे आज प्रदर्शन कर रहे हैं। श्रृंखला का भी आयोजन किया गया, क्या कहेंगे? मैं संदीप सांगवान, राज्य ऑडिटर सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा। आज पूरे प्रदेश में सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा और सीटू के आह्वान पे किसान मजदूर के आंदोलन का समर्थन और कर्मचारी अपने मांग मुद्दों को लेकर के राज्य भर में DC दफ्तर पर घेराबंदी कर रहे हैं। इसी कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए यहाँ पे कर्मचारी मजदूर एकत्रित हुए, DC दफ्तर पर प्रदर्शन किया और अब घेराबंदी करके सरकार को अल्टीमेटम देना चाहते हैं कि सरकार सुनवाई करे, अन्यथा आने वाले दौर में किसान मजदूर कर्मचारी का एक बड़ा आंदोलन होगा जिसकी सारी जिम्मेवारी सरकार की। तो आज मानव श्रृंखला का भी आयोजन किया गया, इसका क्या उद्देश्य है? ये मानव श्रृंखला का मतलब ये है कि हम उपायुक्त के माध्यम से देश की सरकार को चेताना चाहते हैं कि कर्मचारी लामबंद हो गया है, मजबूत हो गया है, मजदूर किसान की एकता बन गई है, सरकार इसको दरकिनार नहीं करे, इनकी सुनवाई। क्या नाम जी? मैं संदीप सांगवान, राज्य ऑडिटर सर्व कर्मचारी संघ। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.